शुजीत, आप बिग बॉस सीजन पे फिर से आप एक और बार गए थे, टीना भी गई थी, टीना हाल ही में बाहर आई, क्या लगता है आप दोनों में से जो कमबैक गेम था किसका आपको लगा कि अच्छा था? आपका मेरा ज्यादा अच्छा था क्योंकि मेरा गेम है, तो मुझे मेरा गेम ही अच्छा लगेगा, तो या ऑफ कोर्स मेरा अच्छा था। बिग बॉस फिनाले काफी क्लोज है, काफी नजदीक है, क्या लगता है आपको कि कौन ऐसे प्लेयर है जो डिजर्विंग है टॉप फोर की कैंडिडेट पे? टॉप फोर के लिए फिलहाल तो मैं कहूंगी वही शिव, प्रियंका, शालीन और अर्चना। जेन्युइनली मैंने नहीं देखा, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ, तो मेरा एक ही था कि अब इट्स डन। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग मिली, एंड थैंकफुल टू द मेकर्स जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं टॉप 16 में रहूँ विद फ्रॉम ऑल द इंडिया। सो आई थिंक अब मैं फॉलो अप नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा एक मोटो है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ, आगे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है वो मेरा बेस रहता है, तो ये मेरा मोटो है। एंड कमिंग टूवर्ड्स योर क्वेश्चन, आई थिंक जो डिजर्विंग है वो उस घर में है, एंड जिनको जनता का प्यार मिल रहा है वो उस घर में है, जिनको कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी कमी हो गई वो बाहर आ गए। लुक, आई डोंट वांट टू गिव माय टॉप थ्री और ऐसा कुछ है, मेरे लिए मैं 16 लोगों के साथ थी, राइट, इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए सारी की सारी फैमिली है, तो कोई भी जीतेगा ना, तो फिनाले वाले दिन मैं वो स्टेज पे डांस करने वाली हूँ, तो आई विल बी हैप्पीएस्ट वन, क्योंकि जो भी जीते उन्होंने बहुत मेहनत की, उस घर में रहना इजी नहीं है। लेट मी टेल यू, गेम इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम बाहर से देखते हैं, और 24 घंटे अननोन लोगों के साथ रहना, एडजस्ट करना, इट्स अ टू डिफिकल्ट थिंग। सो जो भी जीतेगा ना, ट्रस्ट मी, जो भी अभी टॉप 5 बचे होंगे, राइट, कितने बचे, 5 लोग बचे, हाँ, तो उनमें से जो भी जीतेगा ना, वी विल बी हैप्पी, आई थिंक सो, हम सारे के सारे खुश रहेंगे, बिकॉज वो हमारी एक बिग बॉस 16 की जीत होगी, क्योंकि बिग बॉस 16 इस बार का सबसे फेमस शो चल रहा है, राइट, सो आई थिंक, अरे क्या कुछ भी वो भी हो सकता है, बट आई थिंक आई एम द लकी वन की मैं 16 की पार्ट बनी, एंड आई थिंक आई विल बी प्राउड की मैं हमेशा ऐसे खुल के बोलूंगी कि आई वॉज द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस 16। थैंक यू। Oh my god, yes, I have watched. I have seen quite a lot this time. I could not follow Big Boss, but this time, because you know, I had lesser work to do, and I got time to watch Big Boss, and I guess this is the longest Big Boss show, itna, you know, long hua hai, and bahut trending ho raha hai, jitna maine notice kiya. All the players are really good. I personally, if you ask me, I would appreciate Simple's work, because know her personally, but also because everyone can say that she's a mature person, and the way she's working it out, so I'm really glad for her, and all the best to others. Shiv's game is really yeah, they all are really nice. I mean, I watched their game, actually there are some genuine people also in that show, and I'm really glad about it, you know, because they work with complete genuinity, so that's a really nice thing. Priyanka definitely बहुत ज़्यादा strong है, शिव ने भी बहुत अच्छा गेम खेला है, तो डेफिनेटली शिव और प्रियंका तो टॉप 2 में जाने वाले हैं 110%, एंड आई थिंक स्टैन भी कहीं ना कहीं टॉप 3 तक जाना चाहिए। ही इज एन अमेजिंग होस्ट यार, सलमान खान तो दिल जीत लेते हैं सबके, सबके प्यारे हैं, सो आई लव सलमान सर। पापा मम्मी सबको बहुत मिस किया था, स्पेशली जब लोग आपको बहुत भला बुरा कहते हैं और आपके जब थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे सबसे ज्यादा मम्मी पापा या घर वालों की, दोस्तों की बहुत ज्यादा याद आती थी।